तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो गुड लक का जो ऐप होता है उसके अंदर के एक नए मॉड्यूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है नोटी स्टार। दोस्तों, ये नोटी स्टार मॉड्यूल क्या होता है, क्या इसका यूज होता है और कैसे आप उसको इनेबल करेंगे, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूं, ये नोटी स्टार मतलब कि आप नाम से ही समझ सकते हैं ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर होगा क्या, एक अलग से आप अपनी नोटिफिकेशन लिस्ट बना सकते हैं जहां पर आप इजिली कोई भी नोटिफिकेशन को फाइंड कर पाएंगे, अपनी कोई पुरानी नोटिफिकेशन को आप इजिली फाइंड कर पाएंगे। कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ नोटी स्टार के बारे में, गुड लक के एक नए मॉड्यूल के बारे में। तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर गुड लक ऐप में। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ गुड लक ऐप में जितने भी ऊपर जो मॉडल दिख रहे हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं जो मॉड्यूल दिख रहे हैं, इसके मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ जिसका लिंक आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर नोटी स्टार के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया, जो नोटी स्टार है ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक अपना खुद का नोटिफिकेशन, आप एक क्या बोल सकते हैं रूम बना सकते हैं जहाँ पर जैसी आप नोटिफिकेशन चाहते हैं आप वही नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी और वो आपके पास स्टोर भी रहेंगी, बाद में आप उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो पहले आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, आपको जाना है ऐप लिस्ट में। यहाँ पर जितने भी आपके मोबाइल में जो ऐप इंस्टॉल्ड होंगी सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको अगर चाहते हैं कुछ चुनिंदा ऐप्स के आपको नोटिफिकेशन स्टार में सेव हो तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप सभी ऐप्स की चाहते हैं तो आप सभी ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह मैंने सभी ऐप्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है यूजर फिल्टर लिस्ट। यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर एक खुद का एक यूजर फिल्टर बना देंगे। उसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने बना रखा है एक इंस्टा नाम से और मैंने इंस्टा कीवर्ड भी डाल दिया है और एप्लीकेशन लिस्ट में मैंने इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लिया है। अब होगा क्या, जितने भी इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी वो मुझे यहाँ पर इंस्टा वाले कॉलम में, या बोल सकते हैं इंस्टाग्राम वाले टैब में मुझे मिल जाएगी इजीली। तो जो भी इंस्टाग्राम से रिलेटेड मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगी सब वहां पर आएगी। अब मैं आपको बताने वाला, अगर आपको कोई क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइक आप, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ व्हाट्सअप। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट्सअप और यहाँ पर कीवर्ड में भी डाल देता हूँ व्हाट्सअप, ठीक है, और ऐप लिस्ट में जाऊंगा और ऐप लिस्ट में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट्सअप की जितनी भी मेरे पास नोटिफिकेशन आए वो मेरे पास अलग से वहां पर दिख जाए। तो यहाँ पर मैं WhatsApp को चूज कर लूंगा और ये इनेबल हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर लूंगा, ठीक है, ये सेव हो चुका है। अब उसके नीचे आएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा यूजिंग ऑन लॉक स्क्रीन। आप इसको लॉक स्क्रीन में भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, अब मैं अपने मोबाइल को यहाँ पर करता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद आप देखेंगे आपको एक नीचे एरो मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा ये एरो, आपको दिख रहा होगा। इस एरो पे जैसे आप ऊपर तरफ स्वैप करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और नीचे की तरफ देखेंगे जो कि मैंने मॉड्यूल क्लिक करे थे इंस्टाग्राम नाम से, जो मैं टैब बनाए थे इंस्टा से और व्हाट्सएप से। अगर मैं इंस्टा पे जाऊंगा तो इंस्टा से रिलेटेड जो भी मेरे पास नोटिफिकेशन आएंगी सब यहाँ पर मिल जाएगी, और अगर व्हाट्सएप पे जाऊंगा तो व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जितनी भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर बहुत टाइम तक सेव रहती है, आप देख रहे होंगे बहुत पुरानी नोटिफिकेशन भी होगी तो भी आपको यहाँ पर सेव मिल जाएगी। तो ये ऐसे वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखे तो आप यहां से हटा सकते हैं। उसके बाद यहां नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको नोटिफिकेशन स्टोरेज पीरियड। यहां पर मैक्सिमम आप नो लिमिट भी कर सकते हैं और 30 डेज जितने दिन का भी करना हो। तो मैंने नो लिमिट सेट कर रखा है कि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी आफ्टर एक्टिवेट, जब मैंने नोटी स्टार को एक्टिवेट करा उसके बाद से सारी नोटिफिकेशन वहां पर स्टोर हो जाएंगी, जिसको मैं इजीली कहीं भी फाइंड कर सकता हूं। और अगर आप यहां से लॉक स्क्रीन से हटा देंगे, अगर आपको उसको एक्सेस करना हो तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपने यहाँ पर नोटी स्टार के मॉड्यूल गूगल गुड लक में जाना है। गुड लक में जाने के बाद आपको नोटी स्टार मॉड्यूल में जाएंगे तो आपको सब यहाँ पर वापस मिल जाएगा। तो ये ऐसे रहता है। और अगर उसके बाद अगर आप चाहते हैं, लास्ट ऑप्शन दिया गया है आपको स्टार्ट आइकन सेटिंग, मतलब कि जो लॉक स्क्रीन पर जो आइकन है अगर आप चाहते हैं उसको कस्टमाइज करना तो आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो रो मिल रहा है, आप इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, या जो भी आपको करना हो। या मैं से मैंने कलर चेंज कर दिया है, ट्रांसपेरेंसी इसकी हाई लो करना है कि मतलब ये ट्रांसपेरेंट रहे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां से सेव कर देंगे और उसको इनेबल कर देंगे
तो अब आपको लॉक स्क्रीन पे जैसा कि आपने वहां पर डिजाइन करा है वो वहां पर आपको दिख जाएगा। बहुत लाइट हो गया है, ये आप देख रहे होंगे, अब दिख रहा है मैंने बहुत लाइट कर लिया है। अब मैं ऊपर की तरफ स्वैप करूंगा तो नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन स्टोर करके रखना है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं जिसको बाद में इजिली एक्सेस कर पाएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई दूंगा। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके तो उसकी जो नोटिफिकेशन है उसको आप क्लिक करके रखें ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए।